हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को जो मेरा नवंबर मंथ का पीएनएल है पीएनएल uh, स्टेटमेंट वो मैं कवर करने वाला हूं एंड बिफोर वी बिगिन आई रिक्वेस्ट कि आप uh, इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज बिकॉज इसमें मैं थोड़ा मार्केट में जो हुआ था वो भी डिस्कस करने वाला हूँ सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल एंड लर्निंग थिंग फॉर यू एज वेल ओके सो बिफोर वी गो एड आई जस्ट टेल यू की वॉट हैपन इन द मार्केट दिस वीक ओके सो थिंग इज़ दैट सिंस नवंबर मार्केट इस महीने काफी ज्यादा बिकॉज लास्ट मंथ आई हैव कि एफ कि एस जो है वो काफी शॉर्ट है मार्केट में एंड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू मतलब रिमेन रेंज बाउंड या फिर ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है बिकॉज मार्केट बहुत शॉर्ट था लेकिन नवंबर से स्टार्टिंग से वॉट दे स्टार्टेड डूइंग दे स्टार्टेड डूइंग ये गैप अप ओपनिंग करने के बाद दे स्टार्टेड मेकिंग नॉन डायरेक्शनल मूव्स मतलब गैप अप ओपन होता था मार्केट जो है अपना साइड वेज में चला जाता था सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन देशन टू आइडेंटिफाई द मार्केट कंडीशन वेयर द मार्केट इज गोइंग ठीक है वॉट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ठीक है सो मार्केट ने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ने सेम फिनोमिना दिया था एंड निफ्टी वॉज मोर पॉजिटिव देन बैंक निफ्टी ओके एक दिन ऊपर एक दिन ऊपर अगले दिन वन पॉइंट थ्री परसेंट नीचे गिर गया सो मार्केट वॉज टू वॉलेटाइप ठीक है विक्स भी जो है एक दिन कभी सात आठ परसेंट ऊपर बढ़ जाता था देन उसके बाद नीचे आ जाता था तो इस महीने में इस पूरे सेशन में इस नवंबर वाले एरिया में हमने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी मार्केट में लेकिन जब मार्केट ने अपनी है कि यहां से ट्रेंड uh, लाइन जो था मेन इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन थी बैंक निफ्टी की उसको जब ब्रेकआउट दिया सो so, ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक डिसाइसिव मूव दिया एंड इट हैज गॉन अप राइट नाउ ठीक है सो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी uh, में भी देखने को मिला सॉरी निफ्टी में भी देखने को मिला निफ्टी में बस ये था इसका डेटा थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव था एंड इसने जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी उसको काफी पहले ही दस या बारह नवंबर के आसपास नवंबर ठीक है एंड ये जो राइज था इट इज टू स्टीपर राइज ठीक है मार्केट ऐसे नहीं गया डायरेक्शन नहीं गया मार्केट ऐसे आया एक दो दिन ऐसे रहा एंड देन उसके बाद ऐसे गया फिर एक दो दिन रहा फिर एक दो दिन ऐसे ऊपर चला गया ठीक है सो मार्केट वॉज कंटिन्यूअसली मेकिंग राइज एंड द थिंग इज की मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली गैप्स बनाता हुआ जा रहा था लुक एट दिस लुक एट दिस सो लुक एट दीज गैप्स ठीक है सो मार्केट वॉज कंटिन्यूअसली मेकिंग गैप सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन की भाई मार्केट कर क्या रहा है जब इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया ठीक है उस टाइम पर था कि यस दैट मार्केट विल गो अप अपर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट विल गो बट ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन तब हो पाता मार्केट का जब ये मार्केट को ऐसे करके ब्रेकआउट देता ठीक है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ज्यादा अच्छा होता बट थिंग एंड देन उसके बाद साइडवेज हो गया यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सारे के सारे ट्रैप हो गए एंड दैट इज वाई दिस कम ठीक है देन उसके बाद एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया ऑन ऑन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एंड देन उसको ब्रेकआउट दिया सो दैट इज दिस मूव हैज हैज कम सो एज ऑफ नाउ निफ्टी ऑलरेडी है ऑल टाइम हाई एंड इज एक्सपेक्टेड टू डू गुड राइट नाउंडी का वैसे जो रोल ओवर डेटा एंड बैंक निफ्टी का दोनों का ठीक ही है इनफैक्ट निफ्टी का थोड़ा सा लेगर्ड है एंड बैंक निफ्टी का निफ्टी से थोड़ा अच्छा रोल ओवर डेटा है सो आई एम एक्सपेक्टिंग जो है इस मंथली इस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में डू बेटर सो थिंग इज की इस महीने में आप निफ्टी का एक बहुत ही मेजर मूवमेंट आया था ह्यूज मूवमेंट री डिफिकल्ट टू आइडेंटीफाई बिकॉज ये गैप अपना था एंड देके बाद साइडवेज चला जाता था मार्केट गैप अप हुआ कॉल राइटर्स को ट्रैप करा एंड देन मार्केट वेंट साइडवेज गैप अप हुआ ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, है साइडवेज हो रहा है सो so, मार्केट को इस मंथ इस में

A trader to get into uh, to get a good directional trade because if market is going up and VIX is also going up, so these are not the things, these are not the ideal situation. So if VIX is going up, the only direction that market has to find out is profit booking, it's down. If along with the market, VIX agar is there is some fishy that we are missing. Okay, so that is these are the situations where I personally uh, stay out of the trades. Okay, so uh, personally also on uh, this thing uh, I was a bit busy this uh, month for two weeks I did not trade it much jo chota -mota mera trade hota tha, vahi, uh, jitna thoda time nikal pata tha, wo trade leta tha. and then I used to uh, shut my computer and I I could not see the market much. but what I could make out is that Nifty has also made a lot of gaps in the market. see this. So see this.

but after one month, after two months, after three months, there is a possibility that some profit booking will bring the nifty back to this level as well. because a number of gaps are there. okay, gap hota yes, i would have said. Ki, hai, market has gone up. it will take a while. it may go up. okay, but no. market has left a lot many gaps. okay, so one, two, three, four. this is also gap. so this, this gap will be filled within a few days. but these are the gaps which. ंग वरीट इज मार्केट में कम बैक नाउ वाई आई एम वर इट इज बिकॉज इफ निफ्टी फॉल्स निफ्टी के साथ जो मेजर प्रॉफिट बुकिंग आती है वो मिड एंड स्मॉल में आती है एंड जब निफ्टी uh, गिरेगा तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी काफी शार्प बुकिंग आने के चांसेज हैं Okay, so uh, this can also be an investment opportunity also that nifty jab yaha is nineteen eight hundred level jab dikha dega. So this would be an opportunity after uh ninety nine hundred something. So not nineteen nine hundred. This is not ninety nine hundred. Let me just find out. Yeah, this is nearly about nineteen thousand 200. uh 200 level when it will be on the on its uh, way to fill the gaps. So that uh, that is the time when a good uh, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कम्स इन द मार्केट ठीक है सो अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं सो so डेफिनेटली आप इस एरिया को प्लीज ट्रैक रखिएगा बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैन निफ्टी हैज टू कम बैक ओवर हेयर एंड ओवर हेयर सम अपॉर्चुनिटीज गुड अपॉर्चुनिटीज मे बी इन द लार्ज कैप मे अकर एट एनी टाइम ओके सो रिमेंबर दिस थिंग सो एज ऑफ नाउ मार्केट जो है इट इज इन द हाइर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन एंड इट एज गॉन अप लाइक एनी थिंग

वो पोजिशंस कन्फर्मेशन देती हैं कि भाई येस yes, जो फ्राइडे को पोजिशंस बनी थी आज मंडे को वो सेम कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं या फिर उसके अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड दे रहा है so, सो जो मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसमें मार्केट अपनी एग्जैक्ट uh, जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा बहुत uh, uh, उसको हम प्रेडिक्ट uh, कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन को ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मंथ ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इट इज अ वेरी नॉलेजेबल थिंग सो दिस विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग रन

So this is what my uh, PNL statement. The good thing is that yes, I am able to uh, again do my uh, uh, hundred percent thing, whatever I'm uh, I try on daily basis. So yeah, so uh, okay, let's see. This is my number thing.

Okay, so uh, this is what I have made in the month of November. So in the month of November, I have made nearly about uh, more than two lakh rupees. So uh, I could not uh, uh, could not complete my target, which is minimum three percent. So I could not make uh, three percent of my target. This is nearly about 2.5 2.6 percent of my uh, of my capital. What I have employed in the uh, right now. So, this is what I did because uh, I was not able to trade. I could uh, I could not uh, trade in intradays many overnight position the profit I used to take it and go back because intraday mein I could not track market for about two weeks after Diwali after Diwali, these are the two weeks which I could not trade market. And from past week only I have started uh, trading again. okay, so this is uh, this is what I have done in this month, and, uh, दिस इज माई अक्टूबर पी एन एल विच आई एव ऑलरेडी शोर्ड एंड दिस इज द सेम पी एन एल विच विल बी शोन इन द वेरीफाइड पी एन एल लिंक एंड वेरीफाइड पी एन एल लिंक मेरा डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होता है आई एम श्योर आप लोगों ने uh, काफी नोटिस भी किया होगा एंड बीच में आई एव गॉट नंबर ऑफ मैसेज किसी और डेली पी एन एल वेरीफाइड पी एन एल इज नॉट वर्किंग सो जो वेरीफाइड पी एन एल आपके मैसेज के बाद मैंने चेक करा था सो आई चेक इट अप कि जो जीरोधा है जीरोधा की तरफ से देर वॉज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन सो so वेरीफाइड पी एन एल वॉज नॉट शोइंग सो मैंने उसको अपडेट कर दिया एंड द मोमेंट आई अपडेटेड इट सो इट स्टार्टेड वर्किंग आई एम श्योर नाउ द वेरीफाइड पी एन हैव जस्ट चेक नाउ तो वेरीफाइड पी एन एल इज वर्किंग राइट नाउ ओके सो दैट इज द थिंग ओके या यहाँ पर यह आपको टू पॉइंट थ्री वन लैख का लॉस दिखा रहा है सो डो नॉट वरी अबाउट दिस लॉस दिस इज फ्यू कवर्ड कॉल्स विच आई हैव टेकन सो सक्सेसफुल माई कवर्ड कॉल्स आर गिविंग वॉट आई वॉन्टेड फॉर माई कवर्ड कॉल्स एंड दिस इज दिसंबर कॉल्स सो इन दिसंबर आई विल बी कवरिंग जब मैं अपना पी एन एल दिखाऊंगा दैट इज द टाइम आई विल शो यू वॉट आई हैव बीन डूइंग ओके सो दैट्स इट सो दिस इज द थिंग Uh, in my account, which I did and uh, verified, pnl is already there. And yes, uh, this is the other account which I uh, which I do. Yeah, it's maybe I have made a, a good, nearly about two point five or something uh, percent of my capital, and I'll put it on the year review. So this is what I did in November. So this is uh, nearly about one seventy or something. So this is, this is also same uh, two point five percent of my capital.

सो so, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता तो आप लोगों को ये पता होता कि ये जो ट्रेड uh, है दिस वाज डन ऑन नवंबर एंड नवंबर को दिवाली मुहूर्त के दिन केवल एक घंटे के लिए मार्केट खुलता है एंड दैट इज द टाइम दिस प्रॉफिट इज देयर और अगर दिवाली मुहूर्त संडे को पड़ा था तो इसलिए वो प्रॉफिट संडे को बुक हुआ है सो पीपल आर नॉट अवेयर की भाई मार्केट में हो क्या रहा है बट सबसे पहले आके uh, उनको पता है नहीं ट्रेडिंग क्या होता है बट सबसे पहले आ जाएंगे कि देखो ये फेक है हमने साबित कर दिया ये फेक है सो so, that is uh, this segment is for you guys only who doesn't know uh, what trading is actually but try to find out the ways and means to prove this pnl fake okay so that's it from my side and uh, yeah one more thing i would like to cover uh, uh, here as well that uh, there have been uh, i have got many messages that people have been saying that sir aap, uh, option greeks ka class ek bar bata dije, uh, if you can teach us so i'll i'll be covering uh, option greeks ka class uh, after a while बट uh, मैंने आप लोगों को एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का वीडियो uh, uh, डाला था ग्रुप पर बट यू गाइज हैव नॉट मैसेज मी वॉट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम मी सो इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी कि मैं कोई क्लास डालू सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इस वीडियो में एंड उस वीडियो में आप प्लीज मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि विच इज द टॉपिक दैट यू वुड लाइक मी टू कवर एंगे अकॉर्डिंगली आई विस्ट टू कवर ऑल दीज मैसेजेसिटार्टिंग पीपल है

तो उसमें भी तो प्रॉफिट दिखा रहा है इक्विटी और एफ का दिस इज इक्विटी एन एफ एन ओ नव अगर ठीक तो है so, उनको सिर्फ ये प्रूव करने का है कि कैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड मारो अंधेरे में तीर चलाओ कुछ तो बोलते रहो सो so दैट लोगों को लगे है इनफैक्ट दीज आर बीन प्लांटेड बाय ऑप्शन बाइंग पीपल हु रिकमेंड सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी आप मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज डू नॉट ट्राई टू डू नॉट मिसग पीपल बिकॉज देयर हैव बीन इंस्टेंसेज जहां पर कि लोगों ने मुझे मैसेज करा है कि सर हाउ टू अर्न डेली प्रॉफिट थ्रू शेयर ट्रांसफर इन डी मैट एंड समथिंग लाइक दैट सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की प्लीज दीज काइंड ऑफ पीपल हु टू स्पैम इन कमेंट्स हु ट्राई टू गिव देर एक्स्ट्रा नॉलेज बाय शेयरिंग दीज काइंड एंड अदर थिंग्स एज वेल कवर्ड कॉल से इतना कैसे कर सकते हो एंड दीज आर मेनी अदर टू शेयर सो डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दिज पीपल बिकॉज दिस इज नॉट वॉट कंसेप्ट इज ठीक है दिस इज नो कंसेप्ट एट ऑल ठीक है अपार्ट फ्रॉम अदर्स दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग सो प्लीज डू नॉट गेट इट टू ऑल दीज थिंग्स दीज आर ऑल मिस इन्फॉर्मेश्स एंड यू विल नेवर गो एनीवेयर if you uh, try to follow these kind of things this, these are the stupid things which i can say from my side okay so do not i request uh, to all my subscribers to all my genuine subscribers do not pay any heed to these kind of misinformation which are uh, following in the comment section and there have been people uh, so i have been blocking them as well because they are trying to misinform the other subscribers so i request you all keep please if you have a genuine information then only share otherwise uh, please do not try to misguide uh, the subscribers as well okay uh, so that's it from my side sir uh, and uh and why this is there uh, yes uh, this is because of my covered calls and uh, uh, covered call me covered calls have those covered calls i have taken which i have given over here also this is uh, yeah okay i'll not discuss that so this is the thing so i have taken few covered calls in uh, bhel and uh, hind petro so i will be covering uh, those, so though it is not a recommendation from my side to buy, sell, or hold any stock or anything, it is just that my positions are there and I've already made a good profit in that. So it is way back. So this thing is already have been done in the past. So, uh, it will not make any difference now okay so if you want to learn from me i humbly request this is my channel trading secrets uh, uh, so if you if you would like to learn from me so i will give the description of this angel one stocks and ls blue opening link so you can uh, open your uh, trading account uh, through my referral links and uh, you can ping me on the uh, whatsapp number on that uh, this my trading secrets description so i'll add you to the to my next learning group which will be starting after 10 december and uh, these uh, this course is absolutely free you need not to pay anything if somebody asks uh, any money from uh, on behalf of me so kindly contact me uh, i will take care of the rest so uh, that's it from my side sir and uh, if you really liked my video if you re uh, if you really have faith on me so i request you please like comment which topic you would like to learn from me so i will try to cover that uh, in my next video and uh, please share and uh, this will definitely motivate me uh, to bring more videos to you guys uh, so that you can uh, keep on learning and uh, because learning is the only way to earn in market remember no free strategies will work in market no misinformation will work in market only your own learning can earn for you no premium group nothing can earn for you the only thing that can earn from market is you your knowledge and yourself mark my words okay sir okay uh thank you very much sir uh, for being patient and uh, listening to me and uh, have a good day